Oh, hi everyone, I welcome you all on my YouTube channel, Just An Akshi Thing. <laughs> hope you all are doing good and great so i'm back with another video of the nail extension yes girls, ये ye भी bhi ही के लिए हैं क्योंकि जिन भी गर्ल्स को मेरी तरह नील एक्सटेंशन बहुत पसंद है बट पार्लर जाने का टाइम नहीं है सैलॉन नहीं है नियर बाय आपके या फिर आप इतना money invest नहीं करना चाहते तो मैं आज आपके लिए बिल्कुल घर पे बैठे बिठाए अंडर रुपीज टू हंड्रेड में एक, एक ऐसा प्रोडक्ट लाई हूँ जिससे आप घर पे बैठे बिठाए नील एक्सटेंशन ट्राई कर सकते हो आपको नहीं है जरूरत बार बार पार्लर जाने की और एक बार ही आप टू हंड्रेड इन्वेस्ट करके आप कितनी बार अपने नील एक्सटेंशन घर पे ही कर सकते हो बहुत ही आराम से तो चलो मैं बताती हूँ कैसे तो so, ये रहा वो प्रोडक्ट जिसके थ्रू आप अपने घर पे नील एक्सटेंशन कर सकते हो और ये है अंडर रुपीज़ टू हंड्रेड ये है फाइव हंड्रेड नेल्स का सेट जिसमें यू हैव द नेल साइज़ फ्रॉम ज़ीरो टू नाइन और इसमें जीरो से लेकर नाइन तक के सारे नेल साइज अवेलेबल हैं और इसके साथ मुझे मिली है एक ब्लू जिसके थ्रू आप अपने नेज़ को स्टिक भी कर सकते हो और मैंने इसे कभी ट्राई नहीं करा है मैंने एक ग्लू ट्राई करी थी वो है ये वाली ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं करी थी मैंने लोकल मार्केट से ली थी एंड ये फिफ्टी रुपीज़ की थी एंड ये मुझे अच्छी लगी थी ग्लू एंड मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं करा है आज हम इसे ही ट्राई करेंगे और आप देख सकते हो ये हैं हमारे 500 हंड्रेड फॉल्स नेल्स इसमें ज़ीरो से नाइन तक है सो so, इसकी क्वालिटी जो है ना बॉक्स की बहुत अच्छी है और नेल्स की भी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी ना मतलब नेल्स की शेप एंड क्वालिटी दोनों ही ये बेस्ट शेप में है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसमें अलग अलग शेप्स आती हैं आप वो भी ट्राई कर सकते हो बट मुझे ये वाली शेप बिल्कुल परफेक्ट एंड बेस्ट लगी थी अपने नेल्स के लिए है तो चलो शुरू करते हैं वीडियो अपना विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम बस मुझे कुछ नहीं चाहिए बस एक फ़ाइलर की ज़रूरत है अगर आप चाहो तो अपने नेल्स कट कर सकते हो मैं अपने नेल्स कट नहीं करूँगी मैं इन्हीं पे स्टिक करूंगी नेल्स और फाइलर की हेल्प से मैं इनको बफ करूँगी अगर किसी के पास बफर है तो वो उससे भी बफ कर सकता है बट नेल फ़ाइलर है तो चलेगा नेल फाइलर से भी आराम से बफ हो जाएंगे तो अब क्या करना है हमें वन बाय वन इन वाले सारे नील्स को अपने हैंड्स स्पिनर ट्राई करके देखना है अपने नील के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको नील पिक करना है बॉक्स के अंदर से और दोनों ही हैंड्स के मैं ट्राई करने वाली हूँ तो मैंने फटाफट से दोनों हैंड्स के नील्स पे ट्राई करके देखा जो भी साइज़ बिल्कुल बेस्ट फिट आ रहा है ना आपको वो अपने नेल के लिए निकाल लेना है तो उससे क्या होगा ना एक आपका परफेक्ट साइज़ आपको मिल जाएगा ताकि आपको आसानी रहेगी जब आप इसे स्टिक कर रहे होंगे अब हमने ग्लू और फाइलर की हेल्प से सबसे पहले हमने फाइ फाइलर से ना अपने नेल्स को बफ करना है बफ करने से क्या होगा आपकी नेल्स का जो एक शाइन और एक ऑयल होता है नेल्स पे वो रिमूव हो जाएगा और इससे नेल्स आपकी रफ़ हो जाएंगे जिसके थ्रू जो स्टिक है ना ये ये ग्लू स्टिक ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी और काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी नेल्स स्टिक हुए रहेंगे और ये जो शार्प एज है यहाँ से नहीं ये जो कर्व एज है ना हमें यहाँ से इसको क्यूटिकल्स को प्रेस करते हुए इस तरीके से स्टिक करना है तो जो अभी जो शार्प एच थी उसके अपोजिट साइड मैंने ग्लू लगाया मतलब जो कर्व वेच थी और वहाँ पे ग्लू लगाने के बाद एक तरीका तो ये आप अपने नेल्स पे ग्लू लगा लो इस तरीके से अपने क्यूटिकल्स को पीछे प्रेस करते हुए आप इन्हें स्टिक कर लो और एक तरीका है अगर आप इन्हें डायरेक्टली अपने नेल पर अप्लाई करके और क्यूटिकल्स को प्रेस करते हुए पीछे की तरफ दो मिनट के लिए प्रेस करके छोड़ दो तो इसी तरीके से बस मैंने सारे नेल्स लिए और फटाफट फटाफट फटा अपने हैंड्स पे स्टिक कर लिए बस आपको अच्छे से उसको स्टिक करना है ऐसा नहीं है बस लगा के छोड़ देना है प्रेस करके रखना है एटलीस्ट फॉर टेन सेकेंड्स ताकि जो ग्रिप है उसका स्ट्रांग हो जाए और वो जल्दी से बाहर नहीं तो आप देख सकते हो दोनों हैंड्स पे अप्लाई हो गए और कितने प्रटी लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लुक दे रहे थे ये और अब बारी थी इन पे नील पेंट अप्लाई करने की मैंने यहाँ पे ये जो था कलर ये था मै मैट ब्लैक ये सिंपल ब्लैक नहीं था और मैट ब्लैक नील पेंट ली थी मैंने और मैंने अप्लाई कर ली गाइस देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ आप दोनों तरीके से ग्लू अप्लाई करना बट जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया उस तरीके से थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बट मैंने ना उसको डायरेक्टली अपने नील पे अप्लाई जब करके स्टिक कराना तो वो बहुत आराम से हो गए थे तो मेरे हिसाब से आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उस हिसाब से अपने नील पे उसे स्टिक करना और यहाँ पे मुझे बिलीव नहीं हो रहा था ये इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना मैंने फटाफट से जब इनको अप्लाई करके देखा है वॉज सो शॉक्ड विद द रिजल्ट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था और मैं इनको यूज़ कर चुकी हूँ इन्हीं वाले नेल्स को ये काफ़ी दिन तक इनका स्टे था तो काफ़ी अच्छा स्टे है ऐसा नहीं है फ़ोर टू फाइव डेज़ ये आराम से चल जाएंगे एंड लुक एट द फाइनल रिज़ल्ट ओ माई गॉड लिटरली आई लव दैम सो गाइज फाइनली दिस प्रोडक्ट हैज़ सेटिस्फाइड मी अ लॉट और मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था इतना अच्छा भी रिज़ल्ट दे देगा वैसे मैंने ट्राई कर रखा था बट या मतलब मुझे इन वाले से मैंने कभी खुद नहीं करा था वो मेरी फ्रेंड का एक्सटेंशन यूज़ करा था मैंने सो so आज मैंने खुद से पहली बार इन्हें ट्राई करा है और ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है और जिस ग्लू के लिए मैं आपको बोल रही थी कि मैंने कभी नहीं ट्राई करी है इस ग्लू ने भी लिटरली बहुत अच्छा वर्क करा है तो आई विल गिव इट अ टेन ऑन टेन और थोड़े से हैंड्स भी मेरे हो गए हैं वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। मुझे तो फेक लगी नहीं रहे। और मैं से मैसी हो गए और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है एंड इफ आई कम एंड टॉक अबाउट द रिमूवल ऑफ दीज नेल्स रूवल भी गाइज बहुत आसान है रिमूवल में कुछ नहीं करना आपने थोड़ा सा वॉर्म वाटर लेना है और उसके बाद इसने डिप करके लीव कर देना है कुछ भी आप उसमें लिक्विड डाल के या बॉडी वॉश डाल दो आप शैम्पू डाल दो उससे ये रिमूव हो जाएंगे बहुत आसानी से और ये वीक या फिर सेवन डेज तो ये वर्क कर ही करी जाएंगे कर ही जाएंगे आई आई नो दिस आई हैव यूज्ड देम बिफोर तो इनका स्टिक ऑन भी अच्छा है गाइस दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस विद द नील एक्सटेंशन एट होम एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी डील है टू हंड्रेड रुपीज़ में लाइक वॉट टू हंड्रेड में आप एक बार नहीं आपको सेलॉन में थाउजेंड रुपीज़ या फाइव हंड्रेड से कम में तो कहीं है ही नहीं एक्सटेंशन और टू हंड्रेड के अंदर अंडर आप बार बार इन्हें कर सकते हो तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गर्ल्स के लिए तो आप ज़रूर बाय करना तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन पे प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ लेकर आऊँ और थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप वील मीट सून अगेन बाय